जरूर, लेकिन एक को बचा के रखेंगे, उनकी मंशा यह भी होगा शिकार का। लेकिन इधर साथ का भरा हुआ मैदान, साथ का डिफेंस, मैं इसको पर हाथ चलाया, क्या सही तरीके से चलाया उन्होंने, हो गई उमेश। आप बयां कर रहे हैं कि यहाँ से जो गलती हो रही है वो बुनियादी छोटी सी गलती, ऐसा ना हो कि ये मैच आज से फिसल जाए। गोविंदा इस समय आक्रमण पर, मैदान पर, अटैक पर, जहाँ से बजरंगी फाइटर के मैदान पर थोड़ी सी गरज है, लेकिन लालच में फंसे मिला, और लालच में फंसने के साथ दूसरी मरतबा उन्होंने अंक दे बैठा और टाइम आउट ले लिया उनके ऑफिशियल्स। 27-30 के मुकाबले 3 ही अंक की तो महज बढ़त है। यहाँ से क्या डिफेंस में भरोसा जताएगा हरिकेन पैसन मुगेली, लंबे गज के रेडर संस्कार मिश्रा जी समझ, राइट के रेडर कॉर्नरिन पर फायर किया, जहाँ से नेताम यहाँ से डिफेंस कर रहा है, थोड़ी सी छोर बदला हल्की कदमों के साथ, फिर एक मरतबा अपने चहेते कॉर्नर पर, अदा जाना क्या बोनस के लिए पसंद कर रहा है, लेकिन जितने उसके ऊपर वो 3 अंक की जो बढ़त है उस पर भी वो नजर दौड़ा रहे हैं। यहाँ से अगर हम एंटी रेट ले तो, और समय के खेल की गति को भी हम कम करें तो फायदा कहीं हमको मिल जाए, इसका भी वो इस समय लगातार जीहा में बात रख रहा है। इसलिए कि यहाँ से अगर हम 2 मरतबा एंटी रेट भी करके चले गए और लंबे समय का रेट लें कम से कम 25 या 26 का, शिकार चुना, 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया सिद्धार्थ जी ने 29-30 के मुकाबले, लास्ट 2 मिनट का इशारा हो रहा है मैच रेफरी श्राफ जी के द्वारा, मैच के ऊपर एक मरतबा उस सटीक निशाना लगाया जरूर था। कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जहां से 2 डिफेंडर उमेश और अभिषेक की जोड़ी और मिश्रा 11 नंबर के रेडर, क्या वो डेस किया तब मिश्रा जी बाहर थे ऐसा उनका मानना है, लेकिन मिश्रा जी का मानना इधर से क्या है, उसका सभी ऑफिसर्स कटघरे में जाने के बाद तो जज का क्या फैसला होगा। रखना था उमेश को, अंत में उमेश ने गलती दोहराया, मेरे तजुर्बा के अनुसार कहूँ जिस तरीके से एक ही अंक की बढ़त थी, अब फिर एक बार 3 अंक की बढ़त रह गई, लेकिन शिकार किस में खाया जा रहा है, आओ बिलासपुर शहर है, बिलासपुर में बहुत दिन पढ़े भी हैं और रहे भी हैं, मिथुन के पिक्चर माँ कसम ये बहुत चर्चित शब्द है, माँ कसम जेल लगे में जेल लड़का बनना पहली मिथुन का पिक्चर जब ले तब ले माँ कसम ही कह आती हूँ, इसमें अभी हाल होगी इतने हाथ में रखे माँ कसम नहीं पास के अंदर से ऐसे बात है, अब वो पाए नहीं रही थे तो अगर कुश्ती मैच में निकले के बाद दोनों भाई करी गोविंदा और रेहान फिर हाल अभी 32-32 के मुकाबले 2 ही अंक के बढ़त थे, वो बढ़त है
लेकिन समय गुजरता जा रहा है। यहाँ से क्या मल्टी रेट लेना पसंद करेगा? डिफेंस कम रह गई है मैदान के ऊपर, मैदान थोड़ी सी बड़ी हो गई है। सिदार कहीं कॉर्नर के ऊपर लगातार सबमिट करना, वाकलाइन तो ऊपर किसी भी परिस्थिति में सर्टिफाई करना होगा रेड को।